Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. सेफ होगा अपने फिर आओ नई और अमेजिंग वीडियो लेके। आज हम बनाने वाले हैं टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ चटनी। साउथ इंडियन चटनी बनाएंगे, कोकोनट चटनी और टमाटो अनियन चटनी। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मिलती है मेरे किचन के अंदर। सो गाइस, चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर पीनट, मस्टर्ड सीड यूज कर रहे हैं, व्हाइट उड़द दाल यूज कर रहे हैं, चना दाल यूज कर रहे हैं, करी लीफ यूज कर रहे हैं, टमाटो, अनियन, और मैंने इसमें इमली को उसके जो सीड होते हैं उसको निकाल के अलग करके रखा हुआ है। रेड चिली यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर कोकोनट हमने ग्रेट करके रखा हुआ है। पहले इसको बाहर की स्किन जो ब्लैक होती है उसको हमने निकाल दिया, उसके बाद सिर्फ अंदर का पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं और हींग यूज़ करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बताऊंगा कहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोकोनट चटनी बनाने से। कोकोनट चटनी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कोकोनट ग्रेटेड। इसको हम अपने जार में डाल देंगे। सो कोकोनट डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारा रोस्टेड चना दाल, 1 टेबलस्पून के करीब डाली है मैंने इसके अंदर। अब इसमें डालेंगे थोड़े से हमारे पीनट, अराउंड 2 टेबलस्पून से पीनट डालने। इसमें 1 टेबलस्पून के करीब हम अनियन यूज करेंगे। तो 1 टेबलस्पून अनियन डाल दिया और इसमें थोड़ा सा टैमरिंड डालेंगे। सीड निकालने हैं मेन इसके सीड निकालना है, तो इमली का सीड निकाल के ही इसे यूज करें, अदरवाइज पूरा खराब हो जाएगी चटनी आपकी। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें यूज़ किया है, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि आराम से ये पिस जाए। अब इसको बिना टाइम वेस्ट करे ग्राइंड करते हैं और ग्राइंड करके वीडियो में आगे मिलते हैं। सेकंड वाली हमारी चटनी बना रहे हैं टमाटो अनियन चटनी। उसके लिए सबसे पहले हमने तेल गरम कर लिया। तेल के अंदर हम डालेंगे हमारी थोड़ी सी उड़द दाल। अराउंड 1 टेबल स्पून के करीब आपको उड़द दाल डालनी है। इसमें हम यूज़ करेंगे हमारा 2 पीस या 3 पीस अपनी रेड चिली पाउडर, अपनी चिली के हिसाब से डाल सकते हैं आप। मैं इसमें 2 यूज़ कर रहा हूँ, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। चॉप अनियन डालेंगे। सो गाइस, अनियन कुक हो गया, ज़्यादा कुक नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है इसको हमें। इसमें हम यूज़ करेंगे हमारे चॉप टमाटो। तो गाइस, कुछ मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। मसालों में डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं हमारे टमाटो के साथ। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हमारा ग्रेटेड कोकोनट। हमारा इंग्रेडिएंट जो थे बेस था हमारा चटनी का, वो बन के रेडी हो चुका है। अब गैस कर लेंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, अब इसे ग्राइंड कर लेंगे साथ में। चटनी आप पीस के बिल्कुल रेडी हैं। अब इन दोनों का तड़का सेम है, इसलिए पहले तड़का बना लेते हैं दोनों का और इसे फिनिश करते हैं। तड़का बनाने के लिए ऑयल ले लिया है, गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे हमारी चना दाल। चना दाल डालेंगे ऑयल में। इसी में डालेंगे अपनी उड़द दाल, रेड चिली डालेंगे होल, मस्टर्ड सीड डालेंगे, हींग डालेंगे एंड करी लीफ। अब साथ में अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो तड़का बनके रेडी है। अब तड़के को डालेंगे हमारी चटनी इसके ऊपर।
सो गाइज हमारी दोनों चटनियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं। कलर बहुत अच्छा है और टेस्ट उतना ही अच्छा है। घर पे जरूर ट्राई करें और बताएं आपकी रेसिपी बनी कैसे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फटाफट जाके फॉलो करो। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। स्टे ट्यून्ड।